ओके सो पेरिस डे 3। आज अभी हम आए हैं लूवर म्यूजियम के अंदर। ऑनलाइन भी आप टिकट काट सकते हो, ऑफलाइन भी काट सकते हो। हमने यहाँ पर ही लाइन में थोड़ी देर की लाइन में थे, टिकट अंदर ही काटे हैं। म्यूजियम एंट्री टिकट 15 यूरोज पर टिकट। और अब हम एंटर कर चुके हैं, बहुत बड़ा म्यूजियम है। तो मैप पर देखो, ऐसे एक मैप मिल जाएगा, आप इसको ले लो और इसको देख के आप पूरा ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। ओके सो हियर वी एंटर द इजिप्शियन क्वार्टर्स। उत्सव ट्राइंग टू फिगर आउट एंड नेविगेट द वे। हाँ, चलो हम अभी बस इजिप्ट ही कंप्लीट नहीं कर पाए, आधा घंटा हो गया है। एक लूवर म्यूजियम कंप्लीट करने के लिए आपको आराम से 5-6 घंटे चाहिए अगर ढंग से देखना है। फिर भी अगर आप ऐसे हो जिसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, एक हिस्ट्री में, सेंचुरी में, म्यूजियम इन सब में इंटरेस्ट है, तो एक दिन भी आपके लिए कम पड़ेगा। आई स्वेयर इट्स ह्यूज इज एन अंडरस्टेटमेंट। इतना वाइड स्प्रेड है, इतना सब कुछ है यहाँ पर करने को, इंसान आके मतलब भूल भुलैया है, आप भूल जाओगे। ऑल कॉफिन्स। तो ये कॉफिन्स है इजिप्शियन टाइम में, इसके अंदर बॉडी को रखते हैं और इससे ढक देते हैं। दीज आर द कवर्ड्स। इतना ब्यूटीफुल है कि क्या ही बताए, और पूरा लूवर इतना ब्यूटीफुल है। अभी भी इजिप्शियन क्वार्टर ही हम हैं और बहुत चलने वाले। कल हमने 21,000 steps कंप्लीट किया था, आज हम करेंगे आई थिंक 25,000-30,000। आई डोंट नो, मेरा पैर जल जाएगा आई थिंक, इतना सुंदर है और इतना वाइड है। और आप जो आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों साइड में इस चेंबर में सिर्फ पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स। और यहीं पर इसी एरिया में थोड़ी देर आगे जाके मोनालिसा भी है। अब मोनालिसा जाएंगे राइट साइड। यू जस्ट कैन नॉट गेट इनफ ऑफ दिस प्लेस, इट्स टू मच एंड टू ओवरवेलमिंग बट टू ग्रेट। अरे कितना भीड़ है यहाँ पर। अभी 2 घंटा हो गया है और हमने ऑलमोस्ट 40-45% या 50% कवर कर दिया। कुछ अभी इस बार क्लोज्ड है, जैसे ग्रीक के स्कल्पचर और भी थे लाइन से, वो एरिया क्लोज है आई थिंक, कुछ रिपेयर वर्क कुछ चल रहा है। तो अभी हम जाएंगे नेपोलियन अपार्टमेंट दूसरे विंग में, और 50% से ज़्यादा अभी भी देखना है। ज़्यादा है 60-70% बचा है। Prettiest place in Louvre, Napoleon's apartment, must come. We'll be right back.
ओके सो हम लूवरे घूम घाम के अभी आए हैं खाना खाने, लंच करने। एक लूवरे के सामने एक कैफे है, रेस्टोरेंट है, क्या नाम है, कैफे रॉयल पैलेस ऐसा कुछ नाम है। आर फ्रेंच इज वेरी गुड। सो वी गोना हैव लंच, वी ऑर्डर्ड इट। और आज बारिश हो रही है, इनफैक्ट आज पूरा दिन बारिश है। तो लूवरे में हम 11 बजे गए थे और अभी 3 बजे निकले हैं। 5 hours, यस, दैट मच टाइम वी टू। अगर आप चाहो तो और भी टाइम ले सकते हो, घूम के सब कुछ कर लिया। थैंक यू, मिस्सी। तो थर्ड डे इन पेरिस, थर्ड क्रेम ब्रुले। इतना पसंद आया हमें ये पेरिसियन फ्रेंच डेजर्ट। अच्छा है ना, समझ में आ रहा है देख के। अभी हम एक्सपर्ट हो गए, हमें पता चल गया क्या अच्छा होगा क्या नहीं होगा। ओके, अभी हम फिर से निकल गए हैं सज धज के, शाम के टाइम हो रहा है और वॉक करने निकले हैं फिर से। आईफील का एक व्यू पीछे देख सकते हो, सियान के जस्ट साथ। इस बार के ट्रिप में ना वी हैव इतना पैदल चले हैं और इतना अच्छे से एक्सप्लोर किया है। अभी हम बस रात नाइट व्यू का वेट कर रहे, थोड़ी देर में जैसे ही लाइट जलेगी और लाइट शो होगा तो और भी सुंदर लगता है ये एरिया। एंड वी आर जस्ट वॉकिंग। करके घूमने आओ ना तो ये सब आप बहुत आराम से अच्छे से कर सकते हो। यू नो यू कैन जस्ट प्लान कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, कैसे करना है। बट यस, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज दैट यू हैव टू बी ऑल्सो बी अवेयर कि आप स्कैम वैब में ना फंसो। सो ऑलवेज बी वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। उस सब बैठ गया यहाँ पर, रुको। मस्त हमने लास्ट टाइम देखा नहीं था, है ना। इस बार जितना मस्त हम आईफिल टावर को निहार रहे हैं। ऑफ कोर्स देखो, अगर आप टूरिस्ट पहली बार आ रहे हो तो यहाँ से आप डे ट्रिप जरूर करिएगा। डे ट्रिप में कहते हैं डिज्नीलैंड आपका, हमने लास्ट टाइम डिज्नीलैंड किया था, बहुत अच्छा है वो, पूरा एक दिन लगता है। एंड एक और ट्रिप कर सकते हो वर्साई, पैलेस ऑफ वर्साई का बड़ा फेमस ट्रिप है, एक दिन यहीं से आप जा सकते हो। टूर बसेस सब निकलती है, वो सब आपको ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। एक और जो उत्सव को जाने का बहुत मन था वो था मॉन्ट सेंट मिशेल, जो हमें लास्ट मोमेंट यहाँ टिकट नहीं मिला तो हमने सोचा कि पेरिस में ही चिल करते हैं, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज आईफिल टावर एट नाइट। अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपको यहाँ पर ब्लैक दिख रहा होगा क्योंकि इट्स कवर्ड, यहाँ भी नहीं दिख रहा होगा बिकॉज इट्स कवर्ड, बट दिस हाउ इट बेसिकली लुक। और एवरी आवर में एक लाइट शो होगा, वो भी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी उसका। देखो पीछे लाइट। तो ये मेरा भी बैकग्राउंड है। एंड हर एक घंटे में 5 मिनट के लिए लाइट चलती है 5 मिनट तक, और आप देख सकते हो हम इसको एंजॉय कर रहे अभी। बारिश हो रही है यहाँ पर, आप देख सकते हो। एक्चुअली वी हैव कम फॉर अ रोमांटिक डेट, राइट। अब मैं क्या ही बोलूँ, अब तुम क्या ही बोलोगे। ओके, तो पेरिस में है रोमांटिक प्लेस, रोमांटिक सिटी, सो आई थॉट लेट्स गो ऑन दिस नाइस, रियली नाइस रोमांटिक डेट। तो हम लोग आए हैं शादे ली थी, तो डिनर करने जा रहे हैं। लेट्स टेक यू ऑन विद अस। हेलो सर, हाउ आर यू फीलिंग अभी पेरिस में बारिश में? मस्त, मेरे साथ डेट पे बहुत ही मजा आ रहा है। बारिश में खिचड़ी पकोड़े खाने का मन कर रहा है। खिचड़ी पकोड़े पेरिस में? ओह माय गॉड, व्हाट आर यू सेइंग। बट इतनी पॉश रोमांटिक जगह पे आके खिचड़ी पकोड़े, वेरी गुड, नाइस, आई लाइक इट। चलो ओके, तो ये है मेन रोड शादे लेसी, पूरा रोड है एवेन्यू। और ये है आर्क दे ट्रॉम, एक सेकेंड जूम आउट करती हूँ। ये है आर्क दे ट्रॉम और अभी बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो गई है। उत्सव बारिश तो बहुत तेज हो रही है। हमारा रोमांटिक डिनर का लग रहा है बाट लग गया है अभी घर वापस। ओके, देखते हैं। ओ, यहाँ पर लाइट अच्छा है। तो बारिश काफी तेज हो रही है और 9:30 ऐसा कुछ है, और यहाँ लाइट अच्छा था तो मैंने सोचा इसी लाइट पे व्लॉग कर लेते हैं। होपफुली सब कुछ खुला रहे और हमें कुछ खाना यहाँ मिल जाए, नसीब हो जाए।
ओके तो फाइनली हमें एक जगह मिली है, रेस्टोरेंट मिला है, सबसे पॉश एरिया है पैरिस में, तो एक्सपेंसिव है बट अच्छा है। एक जो रेस्टोरेंट में जगह मिली नहीं हमें, फिर हमें यहाँ जगह मिली तो हम आ गए हैं। ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। तभी हमने तो वाइन ऑर्डर किया है और पास्ता वगैरह ऑर्डर किया है, और हाँ क्या खाना ऑर्डर किया उसका भी क्लिप दिखा दीजिए। चलो चीयर्स बाय। Morning and it's day 4 and last and final day in Paris, and today I'm, oh my god, so fucking extra. I'm wearing a sari today. Yes, I've taken the effort to wear a sari. Normal petticoat wala sari nahi, jeans ke saath sari pehen rahi ho, pehna hai. Main aapko dikhaungi thodi der mein. Subah sare YouTube pe sare videos dekha, how to drape a sari with jeans, taki main Paris mein chalungi na. Abhi hum gaadi se to nahi ghoom rahe, चल रहे और रोज़ का 20-25,000 स्टेप्स कर रहे हैं, 20-21,000 स्टेप रोज़ का कर रहे हैं। तो मैंने सारी जीन्स के साथ पहना, चल वगैरह आईफिल टावर में खींच के साड़ी को रैप अप करके रख दूँ और जीन्स के ऊपर टॉप में लेके आई हूँ वो पहन सकूँ, फिर मैं चलूँगी आराम से। बट आई विल शो यू, आई एम जस्ट रोमिंग लाइक टू एक्स्ट्रा, ओके, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रही हूँ, बट बहुत मज़ा भी आ रहा है। अभी मेट्रो से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया है, कुछ लोग तो ऐसे मुझे देख रहे थे। एनीवे, जस्ट हैविंग फन। आज का वेदर इतना सनी, इतना वार्म है, कल इतनी बारिश हो रही थी और आज अमेजिंग वेदर है। चलो मैं आपको ना आउटफिट फटाफट दिखा देती हूँ कैसे मैंने जुगाड़ लगाया है और फुल जुगाड़ मारा है, ठीक है, ये छोटी छोटी ख्वाहिश पूरे करने के लिए कि पेरिस में आओ और साड़ी पहन कर घूमूँ। ओ माई गॉड, हाँ बोलो। आईफिल जा रहे हैं? अरे वो आईफिल सामने आ गए, पीछे हमारे आईफिल, फोटो शूट करने जा रहे हैं, फोटो खींचने, रील्स बनाने, वीडियो करने। ओके, अपना देश ही लग रहा है, 4 दिन हो गया, टूरिस्ट कम और अब पेरिसियन की तरह ज्यादा घूम रही हूँ। सो हम यहाँ पर सड़क देख के क्रॉस किया है। तो ये पार्क का नाम क्या है उत्सव? शॉ दे मार्स, ये पार्क का नाम है। वहाँ से आईफिल का अच्छा एक व्यू आता है और वहाँ से पिक्चर्स अच्छे आते हैं। ये सब हमने इंस्टाग्राम से ही देखा है, लोगों को, पेरिस के ब्लॉगर्स को फॉलो करके। शॉ दे मार्स हम आ गए, देखो सामने आईफिल। ये सब ना गूगल मैप को आपका दोस्त बनाना पड़ेगा अगर ऐसे घूमना है तो, ठीक है। ये सब आपको टूरिस्ट वाले नहीं लेके आते, जिस ग्रुप्स टूर्स एंड ट्रैवल्स होते हैं ना वो सब आपको नहीं लेके आएंगे, आपको ये खुद से करना पड़ेगा। आप अपने गूगल मैप्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, पेरिस का मैप ले लो, मेट्रो को समझ लो, पेरिस में मेट्रो, बस स्टेशन, बस स्टॉप को, और खुद से ये सब करना पड़ेगा। सो अगर आप फ्रेंड्स के साथ या कपल्स में या पार्टनर घूमने आ रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि यू ये चीज़ कोई एक हो जो उसमें अच्छे हो, तभी आप ऐसे घूम सकते हो, ठीक है। या फिर अगर बहुत आपके पास यू कैन इन्वेस्ट स्पेंड द लॉट, देन ऑफकोर्स कैब कर उबर कर लो, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होगी। हेलो, देखा मेरे साथ कौन है पीछे, सो प्रिटी। ये पार्क से आप जरूर आइए और इस पार्क से व्यू लीजिए। मैंने ये आउटफिट क्यूरेट किया है, जीन्स एंड साड़ी, आई थिंक ये काफी कंफर्टेबल है, अभी पिक्चर्स हम ले लेंगे। तो कैसा था उत्सव, फोटोशूट वगैरह? मैं तो खुद ही ले आया हूँ। हाँ तुम लेके आए, क्योंकि ये तुम्हारी डिस्कवरी है, बट कैसा लगा? डिस्कवरी कुछ नहीं, यहाँ पे सब लोग आते हैं। नहीं सब लोग नहीं आते, कहा भीड़ इतना कम है और लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ से इतना बेटर और बढ़िया व्यू मिलता है, ठीक है। फिर से नाम बता दो मुझे। शॉ दे मार्स, राइट। बाकी बहुत लोग पूछ रहे थे डिटेल्स वगैरह, हमने खुद से पूरा गूगल मैप में रिसर्च करके सब कुछ किया है। फ्लाइट हमारी लुफ्तांजा थी, पेरिस में आने के लिए 60-65,000 का फ्लाइट था जब हमने 6 महीने पहले बुक किया था। एंड देयर इट इज डन, आउटफिट चेंज हो गया मेरा, स्वेटर पहन लिया, साड़ी निकाल दिया, एंड आई एम सेट। आज ये चिल विल करेंगे, सब कुछ जो दिखाना था आपको दिखाई दिया है पहले, बस और भी थोड़ा सैर करेंगे, अभी वॉक करेंगे और भी ज़्यादा आराम से, 20,000-21,000 का स्टेप्स आज भी हो जाएगा आई एम श्योर। एंड टुमारो मॉर्निंग वी लीव विद ट्रेन टू बेल्जियम, सो दैट्स इट। चलो उत्सव, लेट्स गो। ओके गाइस, सो आवर पेरिस ट्रिप कम्स टू एन एंड एंड वी लिविंग फॉर बेल्जियम फॉर 3 डेज, विल स्टे इन बेल्जियम ब्रसल्स, और क्या क्या करेंगे आपको ब्लॉग में दिखेगा।
कुछ लोग पूछ रहे हैं कैसे प्लान किया सब कुछ, तो हमने टिकट जो है मेक माई ट्रिप से फ्लाइट टिकट बुक किया था। हमने अपना होटल का जो है वी बुकड इट ऑनलाइन फ्रॉम booking.com, agoda.com, वेरियस जगह पर रिसर्च करके किया था। बाकी सब कुछ जो है प्लान करके सब रिसर्च करके आए थे, कहाँ कहाँ जाना है, देखना क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और मैप लेके, गूगल मैप्स वेरी वेरी हैंडी, गूगल मैप से पूरा किया है। दैट इज इट। और या आई विल गो टू बेड। अच्छा था, तीन चार दिन, चार पांच दिन काफी कंफर्टेबल ट्रिप होता है, तीन दिन ठीक होता है, ब्रश्ड होता है बट, पर अगर आपको आजू बाजू एक दिन का ट्रिप लेना है पहले से इधर उधर, तो फिर चार पांच दिन कंफर्टेबल रहते हैं। हमारा तो फोर्थ डे कंफर्टेबली था, बहुत ही आराम से किया था। हाँ, पैदल चले बहुत है बट अच्छा था। एक्सप्लोर किया, इतने डिफरेंट डिफरेंट न्यू व्यू से हमने पैरिस का आईफिल टावर देखा, और इतने अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हम गए ना, इट वॉज ग्रेट। और थोड़े से मुझे पिम्पल्स हुए बट नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा मैंने वो लगा लिया है, मेडिसिन लगा लिया है, तो इट बी सॉर्टेड फॉर टुमारो। सो दैट्स इट, पेरिस का ब्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। अब चलते हैं विलेक्स ब्लॉग, मिलते हैं बेल्जियम में, एंड या टेक केयर, बाय।